रामनिवास वर्मा जो आगरा से सोने व चांदी का व्यापार करके सरकार को दिया जाने वाला टैक्स बचाकर ट्रेन से अपने घर जा रहे थे, तो जीआरपी प्रभारी राम प्रताप सिंह ने जैसे सर्राफा व्यापारी रामनिवास का टैक्स चेक किया तो उसमें लगभग 3 किलो चांदी की सील दी जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई, तो टैक्स बचाकर ले जाया जा रहा है। तब सर्राफा व्यापारी से पकड़े माल के कागज मांगे तो वह जवाब नहीं दे पाया और आरपीएफ प्रभारी राम प्रताप सिंह ने सर्राफा व्यापारी को लेकर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाने पर लाकर माल सहित बैठा लिया तथा कासगंज की जीएसटी विभाग को पकड़े गए माल की सूचना देकर अवगत करा दिया, जिसमें जीएसटी विभाग ने 100% पेनल्टी वसूल की। कासगंज से सोनू दुबे की। सर, राज्य एक प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, क्या था पूरा मामला? देखिए, गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक 9:15 बजे रात में पैसेंजर ट्रेन चलती है यहाँ से फरुखाबाद के लिए, जो कासगंज से फरुखाबाद जाती है, उसी की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध लगा था, उसको चेक करने पर उसके बैग से 3 किलो के करीब चांदी बरामद हुई है और जिसके संबंध में सेल टैक्स को सूचित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे वो चांदी को? जैसा कि उन्होंने बताया है, ये चांदी को आगरा से लेके आए थे और इनको फरुखाबाद जा रहा था, लेकिन इस चांदी को लाने ले जाने के संबंध में इनको कोई दस्तावेज नहीं मिला था, इसलिए इनको डिटेन किया गया है और सेल टैक्स पहुँचा हुआ है, वो आप कार्रवाई कर रहे हैं। कौन से प्लेटफॉर्म से इनको? ये प्लेटफॉर्म से नहीं, ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाती है, ये ट्रेन के अंदर मिले हैं।